दोस्तों, आज 26 जनवरी को मुल्क हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया बड़े ही आन बान शान और धूम के साथ मनाया जाता है। आज की इस वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है यौम जमहूरिया और इसका असल पैगाम। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। दोस्तों, हमारा वतन अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त तो रखता है। ये दुनिया के अजीम जमहूरी मुल्कों में से एक अजीम जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क की जमहूरियत की मिसाल देगर ममालिक वाले देते हैं। इस मुल्क में जैसी जमहूरियत है, ऐसी जमहूरियत शायद ही आपको किसी मुल्क में देखने को मिले, क्योंकि सारे मजाहिब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह के लोग बड़ी हिफाजत और आज़ादी के साथ रहते हैं। इसे जमहूरी मुल्क बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान माल की कुर्बानी दी। एक तवील लड़ाई के बाद यह मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद तमाम मजाहिब के लोगों को आज़ादी, अपने इख्तियारात अपनाने और हिफाजत फराहम करने के लिए मुल्क का आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज कर दिया गया और लोगों ने चैन और सुकून की सांस ली। इसी सिलसिले में हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे मनाते हैं। स्कूलों कॉलेजों वगैरह में इस दिन के हवाले से तकरीरें और दीगर प्रोग्रामात होते हैं, जो कि मेरा मशवरा है शरीयत के दायरे में होना चाहिए तो एक अच्छी बात है, और होना भी चाहिए ऐसे प्रोग्रामात कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और तुलबा की हौसला अफजाई होती है। यौम जमहूरिया का असल पैगाम क्या है? हम बस सिर्फ यौम जमहूरिया पर प्रोग्रामात करके खामोश बैठ जाते हैं। क्या यौम जमहूरिया का सिर्फ यही एक पैगाम है? काश काश ऐसा भी होता कि हम तकरीरों और प्रोग्रामात के ज़रिए इस दिन जमहूरियत को मजबूत बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई अहम अज़्म करें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को दूसरे मुल्कों से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें। वतन अज़ीज़ को तरक्की की राह पर देखने के लिए हर फर्द अपने अपने एतबार से कोशिश करें, क्योंकि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। अगर हम वाकई में हमारे मुल्क को तरक्की के राह पर देखना चाहते हैं तो हमें आज से ही और अभी ही से अपने आप से अहद कर ले कि हम कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम ज़रूर करेंगे जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। आखिर में दोस्तों, आपको यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद हो।